सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी का उपमा। जी हाँ, आज हम सूजी का उपमा बनाएंगे। ये एक साउथ इंडियन रेसिपी है। वैसे तो ये साउथ इंडियन है, लेकिन इसे सभी जगह बहुत शौक से बनाया और खाया जाता है, क्योंकि ये बनाने में बहुत आसान होती है, बहुत टेस्टी होती है। इसे अक्सर नाश्ते में बनाया जाता है। आप इसे किसी भी वक्त बना सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं, और ये बनाने में बहुत आसान होता है। तो इसके लिए जो हम सामान लेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन उससे भी पहले, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के नीचे लगे लाल कलर के बटन को टैप करें, उसके साइड में लगे बेल के आइकन को, इनके घंटी के बटन को टैप करना बिल्कुल नहीं भूलें। उससे आपको हमारी डेली नोटिफिकेशंस मिलेंगी। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगी वो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। तो इसे बनाने के लिए जो हमें सामान चाहिए, हमने लिया है ये सूजी, सूजी यानी कि सेमोलिना, ये ली है मैंने 250 ग्राम यानी कि पाव भर। आप ज़्यादा भी ले सकते हैं और उसके हिसाब से आप सामान भी ज़्यादा कर सकते हैं। प्याज ली है मैंने 2 मीडियम साइज़ की, इसे मैंने बारीक चॉप फाइनली चॉप कर लिया है। फाइनली चॉप लिए हैं 2 टमाटो, ये मीडियम साइज़ के हैं। मटर लिए हैं मैंने आधा कप। काजू लिए हैं मैंने 8 से 10। करी लीव्स ली है मैंने, और ये आधा टीस्पून राई दाना, आधा टीस्पून चने की दाल। आप धुली उड़द की दाल भी ले सकते हैं, धुली माश की दाल, मेरे पास नहीं है इसलिए मैंने नहीं ली। अदरक है मेरे पास 1 टेबल स्पून, ग्रेट किया हुआ यानी कद्दूकस किया हुआ। हरी मिर्च ली है मैंने 2 टेबल स्पून कटी हुई। नमक लिया है मैंने, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे ये नमक 1 टीस्पून फुल भर के है। आधा टीस्पून लिए मैंने लाल मिर्च, ये फुली ऑप्शनल है, आप डालना चाहे तो डालें। वैसे मैं कलर की वजह से और थोड़ा सा हमारे घर में तीखा तेज़ खाते हैं इसलिए मैं इसे डाल रही हूँ। हल्दी ली है मैंने आधा टीस्पून, और चीनी ली है मैंने 1 टीस्पून। चीनी आप इसमें ज़रूर ज़रूर डालें, और इसे बनाने के लिए मैं यूज़ करूँगी वेजिटेबल ऑयल। तो चलिए हम सबसे पहले इसे, इसकी जो सूजी है उसे भून लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक काली पैन के नीचे मैंने फ्लेम ऑन कर लिया है, और इसमें अब मैं ऐड करूँगी जो हमारी सूजी है यानी कि सेमोलिना, और इसे मैं भून लूँगी जब तक कि इसमें से खुशबू ना आने लगे और एरोमेटिक ना हो जाए, तब तक हम इसे अच्छी तरह से भून लेते हैं। इसे भूनने में लगभग 3 से 4 मिनट लगेंगे। आप इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर भूने, अगर तेज़ फ्लेम पर आप इसे भूनेंगे तो ये जल जाएगी, और अगर आप इसे फुल फ्लेम पर भून भी रहे हैं तो लगातार इसमें हाथ चलाते रहें तो 5 मिनट में ये भुनेगी। इसे हम भून लेते हैं, फिर मैं आपको आगे दिखाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, हमें अपनी सूजी को भूनते हुए 5 मिनट हो चुके हैं, इसमें से खुशबू आने लगी है। अब खुशबू का तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा, इसलिए इसकी एक पहचान ये है कि आप देख सकते हैं इसका कलर पहले से काफ़ी चेंज हो चुका है। यहाँ आकर हम अपनी फ्लेम बंद कर देंगे, और जो अपना पैन है हम ठंडा होने के लिए एक तरफ रख देंगे। आपको इसे छोड़ना नहीं है, लगभग 1 मिनट के लिए आप इसे लगातार चलाते रहें, नहीं तो नीचे से जो हमारी सूजी है वो ज़्यादा ब्राउन हो जाएगी। तो हम इसे चलाते रहते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सूजी को हमने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है, और एक तरफ एक पैन में हमने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। लगभग 3 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर ऑयल लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमारा राई दाना है, और साथ ही में जाएगी जो हमारी चने की दाल है, और इन दोनों चीज़ों को हम ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दाल इसमें अच्छी तरह से कुक हो चुकी है, और जो हमारा राई दाना है वो भी चटक चुका है। यहाँ पर हम इसमें ऐड करेंगे जो हमारे करी लीव्स हैं, और यहीं पर हम इसमें ऐड करेंगे जो हमारे काजू हैं। काजू को हमने तोड़ लिया था, देखिए ये काजू हमने इसमें ऐड कर दिए। इसे हल्का सा फ्राई कर लेंगे काजू के साथ भी, और यहीं पर अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमारी प्याज है कटी हुई, कटी हुई प्याज हमने इसमें डाल दी है। प्याज को हम लाइट पिंक कर लेंगे। इसे चलाते हुए हमने लाइट पिंक कर लेना है, और यहीं पर हम इसमें ऐड करेंगे जो हमारी हरी मिर्च है, और साथ ही में जाएगा हमारा कद्दूकस किया हुआ अदरक, और इसके साथ हम इसे हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। अदरक का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है, और बिना करी लीव्स के कोई भी साउथ इंडियन डिश रेडी नहीं होती। अगर आपके पास करी लीव्स फ्रेश नहीं है तो बाज़ार से ड्राइड करी लीव्स आसानी से मिल जाते हैं, सूखे हुए करी पत्ता बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे ले सकते हैं।
तो ये देखिए प्याज हमारी लाइट पिंक होने लगी है। यहीं पर हम इसमें ऐड करेंगे जो हमारे टमाटर हैं, ये टमाटर हमने इसमें डाल दिए, अच्छे से मिक्स करेंगे। और यहाँ पर हम अपने टमाटर को हल्का सा सॉफ्ट हो जाने तक इसके साथ पका लेंगे। नीचे फ्लेम को हम लो कर देंगे और लो फ्लेम पर हम अपने टमाटर को सॉफ्ट हो जाने तक पका लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, टमाटर हमारे हल्के टेंडर हो चुके हैं। यहीं पर हम इसमें ऐड करेंगे जो हमारे सूखे मसाले हैं, जैसे चीनी, नमक, हल्दी और लाल मिर्च। इसके साथ हम इसे फ्राई कर लेंगे। और यहीं पर हम इसमें ऐड करेंगे जो हमारे मटर के दाने हैं, फिर से फ्राई करेंगे। और यहाँ पर हम इसे लगभग 1 से 1.5 मिनट तक चलाते हुए अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं, ताकि जो हमारे मटर है उनमें भी मसाला और नमक अच्छी तरह से बैठ जाए। देखिए हम कर लेते हैं इसे फ्राई। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमें इसे फ्राई करते हुए लगभग 1 मिनट हो गया है। हमें 30 मिनट इसे और फ्राई करना है। अब चम्मच से इसे इस तरह से इसके जो टमाटर हैं उसे दबाते रहेंगे, ताकि वो अच्छी तरह से मसाले में मिक्स हो जाएं। और यहीं पर मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आपको चिकन की रेसिपीज़ चाहिए तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को विज़िट करें। आपको वहाँ पर चिकन की रेसिपीज़ मिल जाएंगी, बहुत तरह की नॉन वेज और वेज रेसिपीज़ मिल जाएंगी, नॉन वेज स्टार्टर, वेज स्टार्टर और लंच बॉक्स की स्पेशल रेसिपीज़ आपको वहाँ पर मिलेंगी। आप मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तो 30 सेकेंड और हमने इसे कर लिया है अच्छी तरह से फ्राई, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम अपनी फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और यहाँ पर हम इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी ऐड करने से पहले हमने फ्लेम को लो इसलिए किया है ताकि इसका छींटा ना उड़े, उससे आपको नुकसान हो सकता है। तो पानी जो ऐड करने का तरीका है वो इस तरह से है कि जो पानी होता है हमें सूजी से 3 गुना ऐड करना होता है। मेरी सूजी 250 ग्राम थी तो मैं इसमें पानी 750 ग्राम ऐड करूँगी। तो ये देखिए मैंने 750 ग्राम पानी इसमें ऐड कर लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पानी हमने ऐड कर दिया है, इसे हम मिक्स कर देंगे और अब इस पानी में हम एक उबाल आने देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पानी में हमारे उबाल आ चुका है। यहाँ पर हम अपनी फ्लेम को लो कर देंगे और अब यहाँ पर हम धीरे धीरे अपनी सूजी को मिलाएंगे। यहाँ पर मैं आपको एक टिप दे दूँ, अगर आपका पानी कम है, आप इसमें सूजी मिलाएंगे और आपका पानी कम है, तो आप पहले ही एक तरफ पानी गर्म होने के लिए रख दें। आपको लगे सूजी मिलाने के बाद के पानी कम है तो आप गर्म गर्म पानी उसमें मिला लें, पूरा पकने के बाद ना मिलाएँ, शुरुआत में ही मिला दें। तो मैं अब आपको यहाँ पर सूजी जो मिलाना है वो बहुत ट्रिकी होता है। यहाँ पर आपको थोड़ी थोड़ी सूजी इस तरह से मिलाते जाना है और एक हाथ से आप चम्मच को इस तरह से हिलाते जाएंगे, नहीं तो हमारी सूजी में लम्स हो जाएंगे। ये देखिए मैं ये पूरी सूजी इसमें इस तरह से चलाते हुए मिला लूँगी। मुझे पानी कम नहीं पड़ेगा क्योंकि मुझे पकाने का एक्सपीरियंस है, तो मुझे पता है कि मेरा पानी पूरा है, परफेक्ट है। लेकिन आप लोगों को जब पता चल रहा होगा तो इसी स्टेज पर पता लग जाएगा कि आपका पानी कम है, तो आप यहीं पर आकर इसमें गर्म पानी मिला सकते हैं। तो मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। मिक्स करते हुए मैं इसे चला लूँगी। मैं इसे कर लेती हूँ मिक्स। तो ये देखिए मैंने इसे मिक्स कर लिया है और कहीं पर भी थोड़े से भी लम्स नहीं रहे हैं, और आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट ये मिक्स हो गया है। यहाँ पर आकर मैं बिल्कुल लो फ्लेम पर लगभग 0.5 से 1 मिनट के लिए इसे, फ्रेंड्स हमने इसे 1 मिनट के लिए ढककर पका लिया था। यहाँ पर आकर हम इसे एक बार फिर से मिक्स करेंगे। देखिए हमने इसे मिक्स कर लिया है। नीचे फ्लेम को अब हम अपनी बंद कर देंगे और जो हमारा उपमा है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाऊंगी। फ्रेंड्स इसे डिश आउट करने का जो तरीका होता है वो थोड़ा यूनिक होता है। उसके लिए हम एक इस तरह का बाउल ले लेंगे, छोटा बड़ा जैसा भी आप लेना चाहें, और उसमें अपना उपमा डालेंगे और एक स्पून की हेल्प से उसे अच्छी तरह से इसमें हमें दबा लेना है, अच्छी तरह से इसमें जमा लेना है। ये देखिए मैं इसे जमा लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे जमा लिया है। अब हम एक प्लेट लेंगे, उस पर अपनी प्लेट जो है कटोरी, हम उसे इस तरह से उल्टा कर देंगे और ये देखिए हमारा उपमा सर्व हो चुका है। इसे आप इस तरह से काजू से
सर्व कर सकते हैं सजाकर, ये देखिए। और हमारा उपमा बिल्कुल रेडी है। तो कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी हमें बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के बटन को ज़रूर दबा दें। अगर वो आप नहीं दबाएंगे तो मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन को टैप कीजिए, और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो नीचे बने लाइक के बटन को हिट कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ। मैं फिर हाजिर होंगी ऐसी ही एक रेसिपी के लेकर, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।